ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में जो हम कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करने वाले हैं जैसा हम हर वीडियो में करते हैं, तो आज की इस वीडियो में भी करेंगे। एंड सभी का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे जो है सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं आप सभी को। तो लिंक सबका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग को जब भी टाइम मिले आप जाके वहाँ पे देख चेकआउट कर लेना। बाकी कैसे, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, आप सभी को सबसे पहले तो गाइज इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग को चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइज, जैसे आप अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करोगे गाइज, आप लोगों को करना आपको जो अपने मॉडल को जिस टाइप से ऐसे रख देना है। एंड गाइज, इतना जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप अपने मॉडल को रख दोगे देन आपको जाना है ऐड फोटो में दोबारा से। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज आपको जो ये पीएनजी ले लेना है, ठीक है। एंड इस पीएनजी को लेने के बाद आप लोग करना है क्या, पहले मॉडल को मैं थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ परफेक्ट है, अब मॉडल को लेना है आपको, फिर उसका जैसे फुल स्क्रीन करना है, ठीक है। फुल स्क्रीन कर देने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइज आपको ना कुछ भी रेज नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको एकदम सिंपल स्टेप में बता दूंगा आपको जो यहाँ पे कुछ भी मतलब कि ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, नहीं तो एकदम रियलिस्टिक टाइप से कर लोगे आप, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले से मूव डाउन कर देना है, देन इसका एक डुप्लीकेट लेना है आपको। डुप्लीकेट लेने के बाद आप उसको सेम साइज में रख देना है। सेम साइज में रख देने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद आपको जो है आगे का फ्रंट वाला जो एरिया वहाँ से आपको इरेज कर देना है इसको, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे देखिए यहाँ से इस तरीके से, और ये क्योंकि गाइस क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है जब ऐसा कुछ पीएनजी होता है हमारे पास, तब हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो वहाँ से इरेज करना पड़ता है, जो ग्लोइंग इफेक्ट होता है ना वो भी वहाँ से इरेज हो जाता है, तो वह नकली टाइप का लगता है। बट गाइस ये वाला जो तरीका है जिससे जो है गाइस आप इजीली मतलब कि आप इस तरीके से एक पीछे ऐड करके एंड एक आगे की तरफ ऐड करके आप जो इस तरीके से ऐड कर सकते हो। अब इसमें देखो गाइस आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि आपने जो है ग्लोइंग इफेक्ट रिमूव किया कहीं से, है ना। तो अभी जो है इसका हम ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे तो और भी ज़्यादा खतरनाक लगेगा। तो देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो पहले आपको उसको ले लेना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना ब्लेंड में, एंड उसके बाद आपको उसको कर देना स्क्रीन, ठीक है। अभी गाइस पीछे वाला नहीं हुआ है तो अभी हम पीछे वाले को भी कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो फटाफट करता हूँ मैं, फिर बताता हूँ आपको फिर आगे क्या करना है। ओके गाइस, सो इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है गाइस, जैसे आप यहाँ पे मतलब इसको जो जब ऐड कर लोगे तो आपको जो एक यहाँ पे ये जो मतलब इस क्लेमिनेशन मार्क को ऐड करना है, ठीक है। क्योंकि जो अलर्ट वाला हम अलर्ट वाला फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, तो आपको इसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बाकी और भी कर सकते आप देख सकते हो, जो अगर आपके मैच हो जाए तो वो कर लेना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे रख लेता हूँ उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में ठीक लग रहा है, ठीक है। डार्कन में देख लेते हैं तो नहीं, मल्टीप्लाई ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एकदम अलर्ट वाला जो सिग्नल होता है वो लग रहा है अभी बिल्कुल, ठीक है। तो अभी हम इसको डन कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेते हैं, परफेक्ट एकदम, ठीक है। तो अब जो है क्या करेंगे हम इसको कर लेंगे डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड करना है एक पार्टिकल का पीएनजी, ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपली चलेंगे ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद हम यहाँ से ऐड कर लेंगे पार्टिकल का पीएनजी। एंड जैसे आप इसको यहाँ पे जाओगे अब आपको ब्लेंडिंग मोड में जाना है, इसका स्क्रीन कर देना है, देन उसके बाद आपको उसको फुल स्क्रीन करके आपको जो है कुछ स्टेप्स ऐसे ऐड कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको जो क्या करना है, आप लोग अपनी फोटो को जो यहाँ पे सिंपली डन कर देना है, एंड थोड़ी सी ओपेसिटी की कम कर लेनी है, ठीक है। ज़्यादा रखोगे तो ज़्यादा मतलब ये दिखेगा वो, ठीक है। तो अब इतना कर देते हैं, बाकी कर लेते हैं इसको सेव। एंड सेव करने के बाद जो आप लोगों को करना है आपको उसको लेकर चले जाना लाइट रूम ऐप में। लाइट रूम ऐप पहले जाने के बाद आपको पहले क्या करना है, आपको चले जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में। एंड लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको पहले कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है इसका, एंड जो हाईलाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा सा जो है इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे शेडो है इसको भी इंक्रीज़ कर देना है, एंड जो ब्लैक्स है इसको कम कर देना है। फिर उसके बाद चले जाना आपको यहाँ पे वाइट को बढ़ा देना है। फिर उसके बाद चले जाना आपको कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको जो यहाँ पे वाइब्रेशन को जो है थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ कर देना है, एंड हल्का सा ब्लू टोन डालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, बाकी मिक्स में चलते हैं, ऑरेंज कलर लेते हैं, एंड ल्यूमिनस बढ़ा देंगे इसका ताकि जो फेस है जो है थोड़ा ग्लो आ जाए। देन हम इसका जो है क्या करेंगे येलो कलर लेंगे, अगर आप चाहो तो उसको ऑरेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप येलो कलर को छेड़ गए तो मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन टोन में कर लेता हूँ, एंड यहाँ से इसका ल्यूमिनस बढ़ा देता हूँ, परफेक्ट है। अब यहाँ से चलता है डार्क ब्लू में। डार्क ब्लू में जाने के बाद हम इसका सैचुरेशन जो है यहाँ पे अराउंड रखेंगे हम थोड़ा प्लस में, एंड जिसका जो यहाँ इसको भी प्लस में रखेंगे, ल्यूमिनस भी बढ़ा देंगे। अब इतना परफेक्ट है, आप कर देते हैं डन। फिर उसके बाद हम साथ चलेंगे नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद यहाँ से क्लियरिटी को बढ़ाएंगे, एंड उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा विग्नेट डालेंगे फोटो में, एंड उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, एंड उसका फीचर को पूरा इंक्रीज़ कर देंगे, एंड जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस बढ़ा देंगे। एंड बाकी का यहाँ पे जो है अब कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बाकी हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक लिए कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, बाय।